अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही कई स्टेट में अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने भी इस मामले को लेकर एडवाइजरी जारी की है। हमारे साथ बिहार की पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर हैं जितेंद्र कुमार जी। सर, किस तरीके की प्रिकॉशनरी एक्शन लिया जा रहा है? जैसी एडवाइजरी की आपने बात की, ऐसी कोई विशिष्ट आसूचना या एडवाइजरी स्पेसिफिक रूप से हम लोगों को अभी तक कोई प्राप्त नहीं है, परंतु जैसा ये संभावित है कि अगले कुछ समय में कुछ धार्मिक मुद्दों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कुछ निर्णय आएंगे, इसलिए इसको देखते हुए कि हमारा सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल पूर्ण रूप से बना रहे, उसके निर्देश सभी जिला दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को दिए गए हैं, और उसके लिए जो भी आवश्यक सतर्कतापूर्वक कार्रवाई हो या कार्रवाई करने की आवश्यकता हो वो की जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। सर, सोशल मीडिया को लेकर खास तौर पे इस पर सतर्कता बरतने की बात कही जा रही है। आज इस मामले को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी आपने ये किया है, खासकर जो मुख्यालय के आदेश पर जो साइबर सेनानी ग्रुप जो बनाए गए हैं उस पर कई तरीके के पोस्ट आ रहे हैं कि आप किन बातों को लेकर फंस सकते हैं, किस तरीके के पोस्ट करें ना करें, इसको लेकर क्या विशेष सतर्कता है? ये हमारा साइबर सेनानी ग्रुप सभी जिला में और सभी पुलिस मुख्यालय, सभी जिला और उसके साथ साथ थाना स्तर पर भी ये बनाए गए हैं, और इसमें बड़ी संख्या में युवा लोग जुड़े हुए हैं। करीब अगर सभी पुल मिलाकर के देखा जाए तो 80,000 से अधिक व्यक्तियों की संख्या है इन ग्रुप में। इन सभी को जो है ये बताया गया है कि क्या सावधानियां बरती जाएं किसी भी प्रकार की पोस्ट के प्राप्त होने और उसे अग्रसारित करने में आगे दूसरों को, जिस जो भी कोई यदि आपत्तिजनक पोस्ट हो, चाहे वो किसी भी संबंध में हो, चाहे वो धार्मिक से संबंधित हो अथवा किसी अन्य उद्देश्य से संबंधित हो, उसको बिल्कुल भी फॉरवर्ड ना करें आगे और उनमें सतर्कता बरतें। और आदि ऐसे किसी ग्रुप में वो हों जिनमें इस प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट किए जाते हैं, उनके बारे में पुलिस को सूचित करें और वे उन ग्रुप से बाहर जाएं। इस तरह की एडवाइस सभी को दी गई है, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर हम लोगों की अपनी निगरानी भी रखी जा रही है। सर, बिहार की ज़्यादातर सीमा नेपाल से लगी हुई है, और जिस तरीके से यूपी बॉर्डर को सील कर दिया गया, बिहार में भी इस तरह की कोई कार्रवाई की गई है क्या? या हम लोग जो है सतर्कता बरत रहे हैं, और बॉर्डर पर हमारी निगरानी पहले से रहती है, केंद्रीय बल भी हैं वहाँ पर, और हमारी अपना सूचना तंत्र भी उस पर नज़र रखे हुए हैं। बिल्कुल, हालात पर नज़र रखने के लिए बिहार पुलिस चौकस है, और इस बाबत आज सभी जिलों के एसपी के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, और इसके अलावा एक खास तौर पर एहतियात बरतने का निर्देश जारी किया गया है। कैमरा मैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ऊझा, पटना, न्यूज़ 24।